सोमवार को यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री कैंपस नेहरी के बीएससी हॉर्टिकल्चर के फाइनल ईयर के 43 स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम के तहत उपमंडल अम्ब से ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए नाम कमा चुके मुस्ताक के अम्ब स्थित फार्म का भ्रमण किया। स्टूडेंट के साथ डिपार्टमेंट ऑफ फ्रूट साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अजय वनियाल व जिला ऊना के बागवानी एवं उद्यान निदेशक अशोक धीमान उपस्थित रहे। मुस्ताक ने इन बच्चों को ड्रैगन फ्रूट की पौध को पैदा करने से लेकर फ्रूट लेने तक की विधि के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि किस तरह की खेती की जा सकती है, किस तरह बीमारी से बचा जा सकता है और किस तरह ज्यादा से ज्यादा पैदावार ली जा सकती है। मुस्ताक पिछले 3 साल से इसकी खेती में हाथ आजमा रहे हैं। यूट्यूब से शुरू की गई इस खेती में अब वो पूरी तरह परांगत हो चुके हैं। मुस्ताक को प्रदेश के हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से निदेशक अशोक धीमान द्वारा भी काफी उत्साहित किया जा रहा है। उसे सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम साक्षी है, मैं मंडी से हूँ और आज हम यहाँ अम्बे आए हैं और ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी देखने। और यहाँ पे इन्होंने बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ नॉलेज दी है जो कि बहुत ही फ्रूटफुल है। और इन्होंने बताया कि ये ड्रैगन फ्रूट कैसे कल्टीवेट होता है, हम इसको कैसे कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। और जैसे हमें पता है कि बहुत हाई न्यूट्रिशियस वैल्यू है, हाई मेडिसिनल वैल्यू है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसके अलावा क्या आप इसको आगे भी लेके जाएंगे या कि यहीं पे भूल जाएंगे? नहीं सर, आगे भी लेके जाएंगे, लोगों को इसके बारे में मोटिवेट करेंगे। जी सर। कोई ऐसे पहलू भी है जो छूट गए हों या फिर आप जानना चाहते हो? नहीं सर, हो चुका है, सीख लिया सब। कैसा लगा आपको विजिट, कैसा लगा आपका? अच्छा था सर। ठीक है, नाम आपका बेटा? गुड आफ्टरनून एवरीवन, हमारा नाम, मेरा नाम दिव्यांशी मेहता है और हम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी नेहरी से आए हैं। हम 4th ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं इन फ्रूट साइंस एंड एपिकल्चर। तो हम आज यहाँ अम्ब पे विजिट हुए हैं ड्रैगन फ्रूट का जो ऑर्चर्ड लगाया है सर ने, वो देखने के लिए। कैसा लगा आपको, क्या क्या सीखने को मिला? हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, प्लांटिंग टेक्निक्स मिली, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, फ्रूट्स के बेनिफिट्स क्या है, मेडिसिन में कैसे यूज होता है। मोस्टली हमें जो बात नहीं पता थी लाइक कि जॉन्डिस के लिए ये फ्रूट बहुत बेनिफिशियल है, डेंगू के लिए। डेंगू के लिए, हाँ। इसके अलावा आपने इसकी कैसे पैदावार होगी और क्या सीखा आपने? मेनली कटिंग्स से ये डेवलप होता है, इसकी रूट्स कैसे डेवलप होती है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट जैसे बीमारियां वगैरह आ रही है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए मेनली बायोलॉजिकल कंट्रोल ही यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। और मेनली जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स जो मोस्टली यूज करते हैं वो नहीं यूज कर रहे हैं मेनली। आप अपने एक्सपोजर विजिट को कैसे देखते हैं, क्या फ्रूटफुल है या फिर? यस इट इज वेरी फ्रूटफुल फॉर एवरीवन। ठीक है बेटा, थैंक यू। मैं डॉक्टर अजय बनियाल, एसोसिएट प्रोफेसर औद्योगिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेहरी में कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा मकसद था यहाँ पे भ्रमण करने का, मैं वानिकी और हॉर्टिकल्चर के फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को लेकर आया हूँ जिनमें कि एक वर्ष का जो ELP प्रोग्राम चलता है उसके अंतर्गत यहाँ के जो प्रोग्रेसिव किसान हैं मुश्ताक जी, जो कि लगभग 3 साल से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, तो उसकी खेती के विषय में बच्चों को जागरूक करना था, किस तरह से इसके पौधे लगाए जाते हैं, क्या ट्रेनिंग सिस्टम होता है, कब इसमें फल आते हैं, इसके अलावा इसमें कौन कौन सी किस्में हैं, पौधे लगाने का क्या समय है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है यहाँ के जो प्रगतिशील किसान मुश्ताक जी ने हमारे विद्यार्थियों को दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और विभाग का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने प्रगतिशील किसान को समय समय पर जो भी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। और एक जो आज का जो एक भ्रमण था खासकर उसमें हमारी मदद की यहाँ पहुँचने के लिए। सर कितने स्टूडेंट्स आए आपके साथ? मेरे साथ 43 स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के आए। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। अम्ब से प्रक्षित सेखड़ी की रिपोर्ट।